अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं ग्लास स्किन मेकअप। ग्लास स्किन मेकअप गर्मियों में किया जा सकता है, ऑयली स्किन वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। इवन अगर आपकी ड्राई स्किन भी है तो आपको किस तरीके से ग्लॉसी और ग्लास स्किन मेकअप करना चाहिए, किस तरह का आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए कि आपका जो मेकअप है ना वो ऑयली और ग्रीसी ना लगे बल्कि वो एक ड्यूई लुक लगे, ठीक है। तो इसकी मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने लगी हूँ और ऑयली स्किन के लिए स्पेशली मैं इसमें से जो डॉट्स होंगे वो उनके साथ शेयर करूँगी कि वो अगर ग्लास स्किन मेकअप करना चाहते हैं तो उनको क्या चीज़ें इसमें से स्किप करनी है। आपने जैपनीज की स्किन देखी होती है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई ड्यूई लग रही होती है और उनका मेकअप बहुत मिनिमम होता है। वो कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि वो यूज़ करते हैं और उनका ही मेथड मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो वीडियो को आपने देखना है एंड तक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलिए जी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा फुल कवरेज होनी चाहिए और फाउंडेशन आपकी मैट होनी चाहिए, क्योंकि हम समर में बेस बना रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि हमारी जो फाउंडेशन है वो मैट हो, तभी हम इसको ऑयली स्किन के भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने अपनी फाउंडेशन का कुछ मिकदार जो है वो इसमें से ले लिया है। हम पहले बनाएंगे एक बेस, कुछ मिक्सिंग करेंगी प्रोडक्ट्स की और इन्हीं प्रोडक्ट की मिक्सिंग के साथ को आपने गौर से देखना है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ एक ड्यूई प्राइमर जो कि क्रीम बेस्ड प्राइमर है और ये अब जो बेस बना रही हूँ मैं वो कॉम्बिनेशन स्किन हो गई, ड्राई स्किन हो गई, नॉर्मल स्किन हो गई, सब लड़कियाँ ये बेस बना सकती हैं, लेकिन ऑयली स्किन के लिए इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज करेंगे वो मैं बताऊँगी आपको लास्ट में। नेक्स्ट अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं खूबसूरत सा कोई सा भी इल्यूमिनेटर, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो ये O2O का है। आपके पास कोई भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं वही प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मेरी मोस्ट हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो कोई भी अपना जो है ना ड्राई किस्म का हाइलाइटर वो भी इसके अंदर क्रश करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह का इल्यूमिनेटिंग जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करें, क्योंकि ये क्रीमी बेस होता है तो ये आपकी फाउंडेशन है बहुत अच्छे से मिक्स होके फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा ड्यूई और ग्लोई बना देता है एज़ कम्पेयर टू पाउडर प्रोडक्ट के। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है इस बेस का, जो कि आपको इस बेस को समर में भी लॉन्ग लास्टिंग बना सकता है, वो है कोई सा भी लूज़ पाउडर। आप कोई सा भी लूज़ पाउडर, ट्रांसलूसेंट पाउडर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये क्या करेगा, ये आपकी स्किन के अंदर ऑयल नहीं आने देगा और आपकी जो ग्लोई स्किन है उसको ग्लोई रखेगा, ऑयल मेकअप जो है ना तब्दील नहीं करेगा। वो बाज़ुबा कन्फ्यूजन लोगों को ये होती है कि उनकी स्किन जो है अगर हमने ड्यूई करनी है तो हम उसके अंदर जो भी इल्यूमिनेटिंग चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं वो आपको जो है वो ऑयली ना कर दें, तो ये उस चीज़ को कंट्रोल करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कि आप जो है ये पाउडर कोई भी हाइलाइटर है वो भी इसमें क्रश करके डाल सकते हैं, जैसे इस पैलेट के अंदर ये वाला है, लेकिन मैंने क्योंकि इल्यूमिनेटर यूज़ कर लिया हुआ है तो इसलिए मैं इसके अंदर ये नहीं डालूंगी। आप इस तरीके से इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसको करना है अच्छे से मिक्स और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस बेस को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग करेगी वो है सेटिंग स्प्रे। सेटिंग स्प्रे आप ले लें और उसको भी आपने इसी जो आपका मिक्सचर है इसके अंदर मिक्स करना है, तो उससे भी ये जो आपकी प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग लास्टिंग और स्टेइंग हो जाएगा, इसका ज़्यादा देर स्टे करेगी और स्किन पे ऑयल नहीं आने देगी और आपकी स्किन की ग्लो को ये चीज़ जो है वो बरकरार करेगी रखेगी। अब आपने इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और देन हम इसको आपको अप्लाई करके भी दिखाएंगे। स्किन को प्रेप करके आपने इस जो बेस की मिक्सिंग है उसको लगा देना है अपने फेस पर और उसके बाद उसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर देना है। अब ये जो बेस बनेगी ना ये इंतहाई जो है वो ड्यूई और जो ग्लोई बेस है वो बनेगी, ठीक है, और इसको आप इजीली जो है वो समर में यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ जो इसमें प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं ऑयली स्किन के लिए अभी आगे बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। पूरे फेस पे इसको जो है आपने स्प्रेड कर लेना है ब्रश की मदद से और देन आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे तरीके से पूरे फेस पे ब्लेंड कर देंगी। जितने अच्छे तरीके से आप ब्लेंड करेंगी उतने ही अच्छे तरीके से ये आपकी स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब होगी। अगर आपने कोरियन स्किन मेकअप्स देखे होंगे तो उसमें वो लोग ब्रश की मदद से थोड़ी थोड़ी जो है ना क्वान्टिटी वो फेस पर अप्लाई करती हैं और उसको फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बहुत काफ़ी देर तक अच्छे तरीके से ब्लेंड करती हैं अपनी स्किन के अंदर, तो वो उनकी जो नीचे से स्किन होती है ना
उसका अपना एक ग्लो जो है वो निकल के बाहर आता है। उनकी स्किन भी बहुत प्यारी होती है, तो उसके लिए आपको भी ज़रूरत है कि अपनी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रेप रखें। अब यहाँ पर आप मेरी बेस को देख सकते हैं कि वो कितनी अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ ब्लेंड हो गई है, और आपकी जो स्किन है ना वो स्किन लाइक लग रही है, और साथ ही साथ वो कितनी ड्यूई एंड ग्लोई लग रही है। तो ये वो टिप्स थे, वो ट्रिक्स थे, और वो प्रोडक्ट्स थे जिनको आप यूज़ कर कर अपनी ग्लास स्किन मेकअप समर में भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप इसी तरीके से इसी मेथड से यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बेस जो है ना वो बिल्कुल भी ऑयली और ग्रीसी नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हम आपको ये बताने लगेंगे कि अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आपने क्या करना है। यहाँ पर मैं एक स्टेप और ऐड कर रही हूँ, वो ये कि मेरे पास ये गोल्डन रोज़ का सेटिंग स्प्रे है, जो कि बहुत ही कमाल का सेटिंग स्प्रे है, और ये आपकी जो स्किन ग्लास स्किन मेकअप के गेम को चेंज कर देगा। तो इसके लिए भी आपको ज़रूरी है कि इसको आप अप्लाई करें, और उसके बाद आप इसको बाद में ब्लेंडर के साथ फेस पे सेट कर दें, तो आप देखेंगे कि एक और नेचुरल सा ग्लो जो है ना वो आपके फेस पे आ गया है, और आप यहाँ पे वो ग्लो महसूस भी कर सकती हैं, और ये आपकी जो बेस है उसको और ज़्यादा नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग कर देगा, जैसे कि आप इस वक्त मेरे हैंड पे चेक कर सकती हैं। ते हैं हम ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए कि वो क्या कर सकती हैं अपनी बेस को लॉन्ग लास्ट करने के लिए। तो आपको जो है इस तरह का ग्लोई और ड्यूई प्राइमर जो है उसको स्किप करना है, ये आपने नहीं यूज़ करना। इसकी बजाय आप कोई भी जो है वो प्राइमर यूज़ कर सकती हैं, जो वाटर बेस हो या इस तरह का जेल बेस या सिलिकॉन बेस्ड हो। ठीक है, जिस तरीके से ये ब्यूटीफाई बाय आमना का है, अब ये आपकी जो स्किन की एक्स्ट्रा ऑयल है ना उसको रिमूव कर देगा, कंट्रोल कर देगा, और उससे ये होगा कि आपकी बेस तो लॉन्ग लास्टिंग होगी होगी लेकिन वो ऑयल नहीं प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो आपने इसको जो है ना प्राइमर को वो आपने अपने जो बेस बनानी है ना उसकी मिक्सिंग के अंदर ये वाला प्राइमर ऐड करना है, तो बहुत ही आपकी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बेस बन जाएगी। उसके बाद एक स्टेप आपने और करना है कि ये जो ब्यूटीफाई बाय आमना का लूज़ पाउडर है या कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर है, ये आपने लेना है, और लेकर आपने अपने पूरी बेस के ऊपर हल्के हाथों से इसको सेट कर देना है। इसको सेट करने के बाद आप सोचेंगे कि शायद आपका जो है वो बेस उतनी ड्यूई और ग्लोई नहीं रहेगी, तो ऐसा नहीं होगा। इसकी एक फर्दर स्टेप है, वो है मेरा ये जो गोल्डन रोज़ का मैंने आपको साथ शेयर किया है मेकअप फिक्सर, जो कि ड्यूई एंड ग्लोई लुक देता है आपकी बेस को। इस तरह का जो है निक्स में भी एक आता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत वो भी ड्यूई सेटिंग स्प्रे है। तो आपने फिर अपना उसके इस बेस के ऊपर इस सेटिंग स्प्रे को स्प्रे कर देना है, तो इससे क्या होगा, इससे जो आपकी बेस है वो दोबारा से ड्यूई एंड ग्लोई लुक में आ जाएगी, और वो ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ कि हमने एंड पे उसके ट्रांसलूसेंट पाउडर भी ऐड कर दी और हमने इसको दोबारा से सेटिंग स्प्रे को उसके ऊपर ऐड कर दिया। तो ये था मेरा ट्यूटोरियल, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स। फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसको यूज़ कीजिएगा, मेरे साथ आपने ज़रूर शेयर करना है, कमेंट करके मुझे बताना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि इस तो भी आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर बहुत एक्टिव होती हूँ, और आपके क्वेश्चन के कोई भी आंसर हो तो मैं आपको वहाँ पर भी दे सकती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।